फिर पूरे जम्मू को, फिर पूरे हिंदुस्तान को सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि ये महामारी को मजाक में मत लो, ये सच में तकलीफ चल रही है। मैं खुद पॉजिटिव हूँ, मेरे फादर पॉजिटिव थे, मेरी वाइफ पॉजिटिव है, मेरा बेटा पॉजिटिव है, तो लेकिन हम लोग ठीक हो रहे थे पिछले 8-9 दिन से, सब रिकवरी हो रही थी। आखिरकार हुआ क्या था जब आप हुआ ये कि आज सुबह पापा का ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो गया, सिलेंडर हमारे पास एक ही छोटा सिलेंडर था, तो हमने क्या किया कि मैंने पापा को बोला, मेरे पापा हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन सेक्रेट में 60 साल उन्होंने नौकरी की है, मम्मी मेरे मेडिकल सुपरवाइजर रिटायर हुए हैं, यहाँ पर पूरी ज़िंदगी उन्होंने सेवा ही की है देश, अपने देश की, अपने सब की, लेकिन आज उनकी वक्त ये देश और ये लोग काम नहीं आए। मैं घर से निकला, एम्बुलेंस को फ़ोन किया, मैंने फादर को बोला, फादर ने मेरे से बात की, मैंने कहा डैडी जी टेंशन नहीं लेनी, ठीक होना है, यू आर स्ट्रांग। मेरे फादर ने मुझे बोला यस आई एम स्ट्रांग बेटा, डोंट वरी। हम लोग एम्बुलेंस से पहुँचे सी डी हॉस्पिटल पहुँचे, 40 मिनट तक मैंने सबको आवाज़ें मारी, कोई नहीं था हॉस्पिटल में, कोई स्टाफ, कोई डॉक्टर, कोई कुछ नहीं था, ये सब लोग अपने मजे ले रहे थे, साइड पे बैठे थे। जब एक डॉक्टरानी, कोई मोहम्मदनी डॉक्टरानी मेरे पास आई, मुझे उसका नाम नहीं पता, वो आई तो मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे बात है, तो उसने मेरे साथ कुछ पहले अच्छे से ट्रीट नहीं किया, फिर जब मैंने उसको अपनी मम्मी के बारे में बताया, फादर के बारे में बताया, फिर थोड़ी लिनिट हुई, तो मैंने कहा सारी बातें बाद में करो, पहले फादर को एडमिट करो, इनको ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि इनको ऑक्सीजन मिल जाएगा ये ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है 5-6 साल से मेरे फादर को ये तकलीफ रही है। उस औरत ने वहाँ पर क्या किया कि पहले मेरे 40-45 मिनट मेरे वेस्ट किए, फिर क्या करती है, ये पर्ची स्लिप बना के देती है, ये स्लिप बना के मुझे देती है और कहती है कि आप एक काम करो, आप इनको ले जाओ वहाँ पर मेडिकल कॉलेज, क्योंकि वहाँ ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, जब सी डी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लगे हैं, जब सी डी हॉस्पिटल में कोरोना पेशेंट को लिया जा रहा है, तो इन लोगों को क्या तकलीफ़ थी पेशेंट को लेने के लिए, इन लोगों को क्या प्रॉब्लम थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ आया, मैंने हिम्मत रखी, मैंने कहा कोई बात नहीं चलो, क्योंकि मुझे अपने फादर को बचाना था। यहाँ पहुँचा, यहाँ भी जो CMO एक छोटी छोटी लड़कियाँ बिठा देते हैं, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हमारे पूरे जम्मू में कोई बंदा पेशेंट बीमार होता है उसको DMC CMC भेजते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे भेजते हैं, यहाँ की यहाँ इतनी एडमिनिस्ट्रेशन वीक क्यों है। आपने कहा कि आपको कोई ऊपर भी नहीं ले जाने दी, हेल्प मिली। मैं जब नीचे जब पहुँचा CMO के पास गया, मैंने उसको रिक्वेस्ट की, मैंने उसको बोला कि भाई मैं, मेरे फादर साहब जो हैं, मेरे पिताजी जो हैं वो पॉजिटिव हैं, मैं पॉजिटिव हूँ, मुझसे दूर रहो, लेकिन प्लीज़ मेहरबानी करके मेरे फादर को ऑक्सीजन चाहिए। उस औरत ने लाइटली लिया, रुको रुको वेट करो, मतलब जैसे हम बकरी हैं। और भाई डॉक्टरों का काम होता है, एक अच्छे डॉक्टर जो डॉक्टरों का काम होता है सेवा देना, सेवा करना, अगर तुम अच्छे से बात करते ना, शायद मेरे में दम आता, शायद मेरे फादर में दम आता। 1.5 घंटा मेरा नीचे वेस्ट हुआ, जब तक मैं, फिर मैं कोई भी, किसी ने मेरी मदद नहीं की, मैं अकेला हिम्मत रख के लिफ्ट के थ्रू उनको ऊपर ले गया, ICU में थी, वार्ड नंबर 3 में ले गया। वहाँ जैसे पहुँचा, डॉक्टर ने पंप शम किया तो बोला भाई तेरे पिता इस दुनिया में नहीं रहे। मैंने बोला यार मेरे फादर नीचे से लेके अभी तक बात करते आ रहे हैं, क्या हुआ? कहते उनको हार्ट अटैक शॉक आ गया। मैं कहा ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। तो सर आई लॉस्ट माई फादर, दुनिया में सब कुछ मिल सकता है लेकिन माँ बाप नहीं मिल सकते। ये लड़ाई कोरोना की नहीं है, कोरोना कोई बड़ी बीमारी नहीं है, कोरोना से हम कोरोना को मात दे सकते, लेकिन सबसे बड़ी बीमारी है इस एडमिनिस्ट्रेशन की, इस गवर्नमेंट की, इन लोगों की, जो 1.5 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए थे। मैं स्पेशली मैं एडमिनिस्ट्रेशन को बोलूँगा कि राजेश्वर से मुझे इतनी चिढ़ है कि उस बंदे, ही नोज मी, वो मेरा अच्छा दोस्त है, वो अगर चाहता तो बोल सकता था कि अजीत कोई बात नहीं, पहले अपने बाप को ऑप्शन